उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को सोमवार सुबह बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज में कौंदियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में मार गिराया। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी, वह सीसीटीवी में नजर आया था। यह 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया था। अरबाज शूटरों को कार से घटनास्थल पर ले गया था। उमेश की हत्या 24 फरवरी को करीब 7 शूटर्स ने की थी, 7 बैकअप में थे। उस्मान की फायरिंग में एक सिपाही नरेंद्र भी जख्मी हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी। पुलिस ने उसे तुरंत SRN हॉस्पिटल ले आई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली, जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वो उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी। इस दौरान हमारे एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था, तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था, उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है।